बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाई हूँ मैं इस वक्त भाई, आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। यार मैंने आपके साथ दो दिन पहले ही एक न्यूज़ शेयर की है कि जिन बंदों के इकामे एक्सपायर हैं, खासकर जिन बंदों का एक इकामा एक्सपायर है, वो रियाज फर्दखाने में जाएँ 2 सितंबर वाले दिन, उनका भाई एक इकामा भी लग जाएगा, उनको जॉब भी मिल जाएगी। इसके मतलब सफारतखाने की तरफ से अभी थोड़ी डिटेल दी गई है। इसमें कुछ एक तो ये है कि इसमें कुछ अच्छी न्यूज़ नहीं है जी, वो भी मैं आपको बताता हूँ, और एक इसमें भाई काफ़ी अच्छी न्यूज़ भी है, वो क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले आपको मैं ये पढ़कर सुना दूँ जो अभी ट्वीट हाल यही की गई है, ऐलान सफारतखाना पाकिस्तान रियाज, ठीक है जी, 31/8/2021 आज पहली होगी है जी। आप कल चले जाएँ तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, कल दोपहर 2 बजे से 3 बजे के अराउंड में। तो सफारतखाना की तरफ से जारी किए गए गुज़श्ता ऐलान मोरखा 28/8/2021 जो मैंने आपको बताया था जी, के हवाले से आगाह किया जाता है कि सिर्फ मुंतजा ज़ैल पेशों में तजर्बा रखने वाले वर्कर्स दरकार हैं, यानी कि तमाम तरह अफराद उन लोगों ने बोला है मत आएँ, ये बंदे हमको चाहिए, इनमें से अगर कोई बंदा इस चीज़ का माहिर है तो वो आए। मसलन ड्राइवर लाइसेंस याफ्ता, चाहे साइक अमूमी है, चाहे साइक शहना है, चाहे वो छोटा साइक खास है, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो छोटे और हैवी ड्यूटी, यानी कि छोटी गाड़ियों वाले और हैवी ड्यूटी वाले, बड़े ट्राले वगैरह वाले लेबर, जो कि भाई आम लेबर का काम करते हैं, ये तो बहुत अच्छा होगा जी इसमें, क्योंकि ज़्यादातर आपको पता ही आवाम लेबर होती है, तो लेबर हजरात भी जा सकते हैं। लाइसेंस याफ्ता जिनके पास लाइसेंस है, छोटे या हैवी ड्यूटी लेबर, ब्लॉक वर्कर, जिनके ब्लॉक वर्कर समझते हैं जी, मिस्त्री जो दीवारें वगैरह बना लेते हैं, मेसन, कारपेंटर, टाइल फिक्सर जो प्लम्बर वगैरह यार जो गाड़ी घरों में टाइल वगैरह लगाते हैं, स्टील फिक्सर, प्लम्बर वगैरह, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, प्लांट ऑपरेटर, ठीक है जी, ये वो महीने हैं। यहाँ पर मैं आपको ट्वीट बड़ी करके भी दिखा रखा हूँ, ये वो बंदे उनको चाहिए भाई। इनके अलावा बोलते हैं कोई बंदा हमसे यहाँ पर मत आए, उसको ऐसे पैसे उसके लगेंगे, उसको ऐसे उसकी दिहाड़ी जाया जाएगी। लेकिन ये काफ़ी अच्छी खुशी वाली खबर है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, ये काफ़ी अच्छी हमारे काम आएगी तमाम तर परदेसी भाइयों के। ऐसे वर्कर जिनके इकामे 1 साल से ज़्यादा मुद्दत के लिए एक्सपायर हैं, यानी कि जिनके इकामे 2 साल हो गए हैं या 3 साल हो गए, एक्सपायर हो चुका है, तो उनके लिए मैं आपके साथ ये भी न्यूज़ शेयर कर चुका हूँ, उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ सामने आ रही है। वो क्या है, आला तरीन याफ्ता पेशों में डॉक्टर्स वगैरह, बैंकों वगैरह में काम करने वगैरह, बैंकों वगैरह में ऐसे कोई भी ऐसा पेशा जिनकी उनको सख्त ज़रूरत होगी, हामिल अफराद के हवाले से बाद में ऐलान किया जाएगा, यानी कि इनके 2 इकामे भी एक्सपायर होंगे, 3 भी होंगे, तो फिर भी इनसे बातचीत की जाएगी, अगर मामला डन हुआ तो इनके साथ भी एग्रीमेंट किया जाएगा, लिहाजा वो ना आए, अभी ये बंदे मत जाएँ। अलावा दें हरूब वाले अफराद भी तशरीफ ना लाएं, जिन बंदों के कफीलों ने हरूब दिए हुए हैं भाई, वो भी मत जाएं। नीचे लिखा हुआ है एक चीज़ जो बहुत ही मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और जद्दा के लिए अलहदा तौर पर ऐलान किया जाएगा, यानी कि इस वक्त मैं जद्दा में मौजूद हूँ, मक्का, मदीना, जद्दा, इन 3 शहरों के लिए भाई अलहदा से ऐलान किया जाएगा। आप यहाँ से सफ़र मत कीजिएगा, अगर आप जाना चाहते हैं आज या कल तो आप यहीं पर वेट करें, आने वाले कुछ ही दिनों में जद्दा से जो कौंसुलेट है यहाँ पर, इसमें भी ऐलान किया जाएगा और मक्का में और मदीना में भी ये ऐलान किया जाएगा। बाकी आप भाइयों के मुतल्लिक मैंने वो महीने वगैरह जो उनको बंदे चाहिए वो बता दिए हैं, इसके मुतल्लिक अगर आपके पास हैं कोई चीज़, यानी कि आप इस चीज़ में माहिर हैं, तो आप ज़रूर जाइए, ज़रूर ट्राई दीजिए। जिन बंदों के 2-3 इकामे एक्सपायर हैं, इंशाल्लाह ताला उनके लिए भी अच्छी खबर आएगी।